गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी और बल्लेबाजी में राहुल त्रिपाठी की कमाल की पारी के चलते आईपीएल 2023 में पहली जीत दर्ज की सनराइज हैदराबाद ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सनराइज हैदराबाद ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले का कि किस प्रकार से शिखर धवन ने शानदार पारी खेली व उस पारी पर भारी पड़ी राहुल त्रिपाठी की पारी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही ये शानदार मुकाबला देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस महा मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर सनराइज हैदराबाद के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स की टीम को। दोनों टीमों के पास शानदार प्लेइंग 11 मौजूद थी। वहीं पर दोस्तों, शानदार खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो यहां पर पंजाब की तरफ से परव सिमरन सिंह और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन पारी की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर LBW आउट होकर परव सिमरन सिंह पेवलियन लौटे। पहली गेंद पर आउट करके जहाँ एक तरफ पंजाब की खराब शुरुआत हुई तो वहीं पर काफ़ी शानदार शुरुआत हो चुकी थी हैदराबाद की। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद यहां पर शिखर धवन के बल्ले से इस मुकाबले का पहला चौका देखने को मिला, लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन ने पेवलियन भेजा शॉट को और वो उन्हें भी LBW आउट करके पेवलियन भेजा और बड़ी सफलता दिला दी यहां पर टीम को। इसके बाद दोस्तों, जितेश शर्मा और शिखर धवन ने अच्छी पार्टनरशिप करने की कोशिश की। इस दौरान एक चौका जितेश शर्मा के बल्ले से देखने को मिला तो वहीं पर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार के तीसरे ओवर की चौथी गेंद व छठी गेंद पर दो बेहतरीन चौके जड़े यहाँ पर शिखर धवन ने। लेकिन इसके बाद एक बार फिर मार्को येंसन ने चौथे ओवर की पाँचवीं गेंद पर पेवलियन भेजा जितेश शर्मा को, जिन्होंने 9 गेंदों पर 4 रन बनाए। इसके बाद एक बार फिर पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर मार्को येंसन के बेहतरीन छक्का सैम करन के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर सैम करन ने एक और शानदार चौका लगाया यहाँ पर छठे ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को येंसन के, जबकि दोस्तों सातवां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर के भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। लेकिन इसी बीच नौवें ओवर की पांचवी गेंद पर सैम करन को आउट करके बड़ी सफलता दिला दी मार्कंडे ने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर उमरान मलिक ने सिकंदर रजा को पेवलियन भेजा तो वहीं पर इसके बाद ज़्यादा देर तक शाहरुख खान भी टिक नहीं पाए और एक के बाद एक लगातार विकेट गंवा दी गई पंजाब किंग्स की टीम। एक तरफ से शिखर धवन भले ही खड़े थे क्रीज पर, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। उमरान मलिक ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर हरप्रीत ब्रार को बोल्ड करके एक और सफलता दिला दी। हरप्रीत ब्रार 2 गेंदों पर सिर्फ एक ही रन बना पाए और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया घातक गेंदबाजी करते हुए उमरान मलिक ने, और एक और बड़ा झटका लगा पंजाब को। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर राहुल चहर से उम्मीद थी कि वो शिखर के साथ मिलकर एक साझेदारी जरूर बनाएंगे या कहें तो उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मयंक मार्कंडे ने 13वें ओवर की पांचवी गेंद पर राहुल चहर को भी LBW आउट करके पेवलियन भेजा और एक और सफलता दिला दी हैदराबाद को। इसके बाद बल्लेबाजी की सारी कमान अब शिखर धवन के कंधों पर थी। तो 14वें ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन ने उमरान मलिक के बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए चौका बटोरा थर्ड मैन की तरफ। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों, इसी बीच यहां पर नेथन इलिस को मयंक मार्कंडे ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड करके पेवलियन भेजा। लेकिन इसके बाद अब सिर्फ शिखर धवन ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जो टिक कर खेल रहे थे और अब बची हुई गेंदें खेलना उन्हीं के ऊपर निर्भर था। इसी बीच उन्होंने टी नटराजन के ओवर में चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर एक कलात्मक शॉट खेलते हुए उन्होंने फाइन लेग पर एक और छक्का बटोर लिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए शिखर धवन ने। लेकिन इसके बाद 17वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के पार भेजा शिखर धवन ने। शिखर धवन अब पूरी तरह से यहाँ पर बची हुई गेंदों को खेलने के मूड में थे और इसका नज़ारा 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने उमरान मलिक की गेंद पर काफ़ी शानदार छक्का लगाया। यहां पर भुवनेश्वर कुमार के हाथ के लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और छक्का हुआ। इसके बाद यहां पर एक और शानदार चौका मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ शिखर धवन ने बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर की पाँचवीं गेंद पर भी एक और शानदार छक्का शिखर धवन के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में भी 2 छक्के और 1 चौकों के साथ उन्होंने काफ़ी तेज़ी
गेंदबाजी से यहाँ पर पंजाब किंग्स का स्कोर आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार ओवर लेकर आए 19वां, तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ एक और चौका लगाया। अब शिखर धवन अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। आखिरी ओवर में शिखर धवन को शतक के लिए चाहिए थे 10 रन, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर शिखर धवन कोई बाउंड्री नहीं लगा पाए, यानी कि आखिरी ओवर में सिर्फ 5 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर कमाल का छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही वो 99 रनों पर पहुँच गए, लेकिन अपने शतक से 1 रन दूर रह गए शिखर धवन। लेकिन एक तरफ पूरी टीम जहाँ कुछ भी नहीं कर पाई, वहाँ शिखर धवन ने 67 गेंदों पर 99 रनों की दमदार पारी खेली। शिखर धवन ने 99 रन बनाए और 144 रनों का लक्ष्य रखा पंजाब किंग्स ने सनराइज हैदराबाद के सामने। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम की शुरुआत काफ़ी शानदार रही और पारी की पहली गेंद पर सेम करन की गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा हैरी ब्रुक ने और बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मयंक अग्रवाल ने एक बेहतरीन चौका बटोरा। दोनों बल्लेबाज अब एक एक चौका लगा चुके थे, लेकिन इसी बीच मयंक अग्रवाल ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मयंक के बल्ले से चौका देखने को मिला, तो वहीं पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने भी बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी करते हुए हैरी ब्रुक को बोल्ड करके पेवलियन भेजा अर्शदीप सिंह ने। हैरी ब्रुक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राहुल त्रिपाठी क्रीज पर उतरे, तो राहुल त्रिपाठी ने आते ही शानदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चहर के बेहतरीन छक्का जड़ा और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। टीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने यह शानदार छक्का जमाया, लेकिन इसी बीच यहां पर मयंक अग्रवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच सेम करन को थमा बैठे। काफ़ी गेंद ऊंची गई थी, लेकिन यहां पर काफ़ी शानदार कैच सेम करन ने पकड़ा और मयंक अग्रवाल आउट हो गए। अग्रवाल की पारी अच्छी थी, लेकिन वो भी सेट होने के बाद आउट हुए। 20 गेंदों पर 21 रन बनाकर मयंक अग्रवाल पेवलियन लौटे। इसके बाद राहुल त्रिपाठी के साथ कप्तान मार्करम ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने राहुल चहर की गेंद पर काफ़ी शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 10वां ओवर डालने आए हरप्रीत ब्रार की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया शानदार शॉट खेलते हुए राहुल त्रिपाठी ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद यानी कि 4थी गेंद पर ओवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने शानदार चौका जड़ा, जबकि 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से एक और चौका लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी कर डाली इस ओवर में। तो वहीं पर के बाद यहां पर चौकों का सिलसिला जारी रहा राहुल त्रिपाठी के बल्ले से और उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर राहुल चावर की गेंद पर शानदार चौका जड़ा और चौकों के पर चौके लगातार जड़ते जा रहे थे राहुल त्रिपाठी। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की 6ठी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। अब बारी थी यहाँ पर राहुल त्रिपाठी से बड़े शॉट की उम्मीद यहाँ पर टीम को थी और ये देखने को मिली 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब मोहित राठी गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया राहुल त्रिपाठी ने। अर्धशतक के लिए उन्होंने 35 गेंदों का सामना किया, लेकिन उनका यह अर्धशतक काफ़ी कमाल का था क्योंकि मुश्किल स्थिति में आया था और टीम की जीत के लिए उनका अर्धशतक जरूरी था। वहीं पर अर्धशतक के बाद भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और एक बार फिर मोहित राठी की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। इस बार ये छक्का काफ़ी बड़ा था क्योंकि 94 मीटर दूर जाकर गेंद गिरी, लेकिन इसके बाद मोहित राठी के 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी राहुल त्रिपाठी के बल्ले से चौका देखने को मिला, जबकि आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया जिसके चलते इस ओवर में 21 रन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे। इसके बाद 17वें ओवर में एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर चौका लगाया नेथन इलिस की, तो 4थी गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर उन्होंने आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 4 चौके जड़े, जबकि इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम को शानदार जीत दिला दी और इस मुकाबले में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।
राहुल त्रिपाठी ने शानदार 74 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर एडन मार्करम ने 37 रन बनाए और टीम ने पहला मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों आज की इस जीत का हीरो आपके हिसाब से कौन रहा है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।